हम लोग के जो प्रोग्राम है इनकी बुनियाद दो पिलर्स पे है। पहले तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोग सोचते हैं दैट पीपल आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट? प्लीज रेज योर हैंड। नॉट ट्रू एट ऑल। साहब ध्यान दीजिएगा, पीपल आर नॉट एसेट्स, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर ऑल लाइबिलिटीज। कहीं पर भी देखिए साहब, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर ऑल लाइबिलिटीज। और गुडनेस कहीं पर भी देखें, अच्छाई हमेशा हम लोगों को सींचनी पड़ती है। गुडनेस ऑलवेज नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, इविल हैपेंस एनीवेयर। हम लोग के प्रोग्राम की बुनियाद दो है। एक, वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी हैव पीपल प्रॉब्लम्स। And when we take care of our people problems, most of our business problems are automatically resolved. How many agree with that? Raise your hand. Sab iska answer yes hai, bilkul theek. That's true. Absolutely. Matlab kya hai? Hame vyaparik problems samasyaen nahi hai, vyavharik samasyaen hai. Aur jab hum vyavharik samasyaon ko dur kar lete hai, hamari vyaparik samasyaen apne aap dur ho jati hai sab. ऑटोमेटिकली, ये एक पिलर है। और देखिए, आप कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स बट वी आर फायर्ड फॉर आवर बिहेवियर, यस नो? लुक एट दिस, इट इज सो ट्रू। हम लोग को हमारे स्किल के लिए हायर किया जाता है लेकिन फायर कर दिया जाता है अपने व्यवहार की वजह से। और दूसरी चीज, जब भी कोई इंसान यह कहता है कि यह मैं काम नहीं कर सकता, वो दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान यह कहता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता, दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। अगर यह कह रहा है कि मुझे करना नहीं आता, तो उसको टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन की जरूरत है साहब। लेकिन अगर यह कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, तो दो चीज कह रहा है, या मैं परवाह नहीं करता, दैट इज ए एटीट्यूड इश्यू। मेजर चैलेंजेस इन्हीं दो कैटेगरीज में आती हैं, या एक एटीट्यूड इश्यू होता है या वैल्यूज इश्यू होता है। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर राइट हियर। हाउ मेनी एग्री विद दैट? रेज योर हैंड। दिस वन इज अ यस अगेन। दैट्स राइट। आप देखें कि साहब, एटीट्यूड की बात है, एक ही हालात में कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं साहब। एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हाउ कम? कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं? सेम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एटीट्यूड। आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है? मैं हाथ खड़ा करके बताई तो अच्छा, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि विल यू लाफ एट द सेम जोक्स, दैट्स व्हाई। सो आई वांट टू गेट अ न्यू, दैट्स ऑल, सो दैट आई वांट टू मेक श्योर आई गेट डिफरेंट सेट ऑफ जोक्स, दैट्स इट। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना है साहब। हु वॉज मोहम्मद अली? द चैंपियन बॉक्सर साहब। जब वो रिंग में जाते थे क्या कहते थे? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। ही नेवर सेड आई होप आई विन। ये कभी नहीं कहा साहब उन्होंने। ही यूज टू से आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्यों कहते थे? एंड जब वो रिंग में जाते थे और अपने अपोनेंट को देखते थे और उसको कहते थे, यू हैव द बेल्ट बट आई एम द चैंपियन। बेल्ट तुम्हारे पास है लेकिन चैंपियन मैं हूं। सब रिंग के अंदर चैंपियन बनने से पहले वो बाहर चैंपियन बन चुके थे ऑलरेडी।
He was a champion outside. But ये क्यों कहते थे I am the greatest, I am the champion? This is positive thinking. Mentally अपने आप को he used to psych himself up mentally. इसका क्या मतलब है? With positive thinking, everything in life is possible. How many agree with that? Raise your hand. Not true. This one is not true. साहब ध्यान दीजिएगा, बहुत गलत फहमियां हो जाती हैं आदमी को. मैं साहब चाहे जितना पॉजिटिव हो जाऊं, मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, साहब मर जाएगा दूसरा आदमी. साहब पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है. पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एफर्ट के साथ एंड पॉजिटिव एक्शंस के साथ आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देता है. साहब साहब जब मोहम्मद अली ये कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन आई एम द ग्रेटेस्ट मेंटली साइकिंग हिमसेल्फ उस टाइम वो अपने बैठक में बैठ के वहां पे पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, वीडियो नहीं देख रहे थे, टेलीविजन नहीं देख रहे थे, कोला नहीं पी रहे थे. ऑल द टाइम जब वो कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन ही वॉज इन द रिंग पंचिंग द बैग ऑल द टाइम ही वॉज पंचिंग द बैग. मतलब पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एक्शंस के साथ चल रही थी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट पॉजिटिव एक्शन विल गेट यू नोवेयर इन लाइफ. मैं किताब लिख रहा हूं मिथ्स. बहुत बारी ये गलत फहमी होती है कि साहब पॉजिटिव थिंकिंग से सभी कुछ कर लोगे आप. नो नो, पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट बी बैक्ड विद पॉजिटिव एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस. इट इंक्रीजेज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है इससे. मोहम्मद अली ने एक और बात कही कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. आपको काबिलियत भी चाहिए, आपको इरादा भी चाहिए. विच मीन्स ही सेड यू नीड द स्किल एंड यू नीड द विल. टू सक्सीड यू नीड टू थिंग्स इन लाइफ. यू नीड द स्किल एंड यू ऑल्सो नीड द विल. एक के बिना दूसरी काम नहीं करेगी साहब. दोनों चीजें चाहिए आपको, काबिलियत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए. लेकिन इन दोनों में से उसने कहा कि विल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल. दे आर बोथ इंपॉर्टेंट बट विल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल. तो उसने कहा कि साहब जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था तो मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया. साहब ध्यान दीजिएगा, द चैंपियन हैज बीन बीटन मोर टाइम्स इन द रिंग देन एनीबॉडी एल्स. बोले जब मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया और मैं वहां पे जमीन पे लेटा हुआ था और रेफरी मुझे काउंट कर रहा था, उस टाइम मेरे स्किल ने मुझे मदद नहीं की. साहब व्हाट स्किल? बोले उसने ऑलरेडी तो मुझे मार के गिरा दिया. उस टाइम बोला इट वॉज माई विल जो मुझे कह रही थी बार बार, एक बारी फिर से उठ जाओ भाई, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब. इट वॉज माई विल, इट वॉज नॉट माई स्किल दैट पिक मी अप. वन मोर टाइम. साहब आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा. कौन था माइकल फेल्प्स? दैट स्विमर. कितने गोल्ड मेडल्स जीते साहब उसने? 21 या 22 जीते लास्ट ओलंपिक्स में. लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली? 2008 में, जब इसने क्या किया, बेजिंग में
36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, किसका? मार्क स्पिट्स का। मार्क स्पिट्स 1972 में म्यूनिक में उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। वहां पे प्रेस वाले भी थे तो किसी ने कहा कि साहब 7 गोल्ड मेडल जीत लिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे, मस्ट बी योर लकी डे। तो जब मार्क स्पिट्स ने यह सुना मस्ट बी योर लकी डे, उसको बहुत बुरा लगा। तो उस जर्नलिस्ट को बुलाता है, कहता है तुम इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं व्हाट लक डिड फॉर मी। कहता है आई वॉज इन मेक्सिको 1968, बोला मुझे मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते। ही सेज मैं खुश था लेकिन ना खुश था। बोले मेक्सिको से म्यूनिक में 4 साल में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और अगर आपका गणित अच्छा है इसका मतलब है 2,500 घंटे हर साल, और गणित और अच्छा है इसका मतलब है 8 घंटे डेली बिना एतवार के। और मार्क स्पिट्स ने जर्नलिस्ट को कहा कि आप ऐसा कीजिए अगले 4 साल के लिए 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाइए, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। पूछता है बोले क्या किस्मत ने मुझे जिता दिया है? बोले साहब लक इज नॉट डिजाइंड टू डिलीवर यू दीज थिंग्स इन लाइफ। और उसने जवाब दिया बोले एथलीट्स, ध्यान दीजिएगा, एथलीट्स ट्रेन 15 ईयर्स फॉर 15 सेकेंड्स ऑफ परफॉर्मेंस। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकेंड की परफॉर्मेंस के लिए, जाके उनसे पूछिए किस्मत ने दिला दिया उसको। हमारा ऑफिस है सिंगापुर में, 3 साल पहले मैं अखबार पढ़ रहा था 2016 की ओलंपिक्स के लिए 5 गोल्ड मेडल के लिए, 3 साल पहले अखबार में लिखा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2016 के लिए 5 गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और उससे कितने साल पहले से तैयारी चल रही है इमेजिन। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। तो साहब ऐसा है लेकिन माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते बीजिंग में। अब मैं यहां से हाथ देखना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों को यह मालूम है कि 2 साल पहले ओलंपिक से 2008 से पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था साहब? एक वन लेडी, आई नीड टू गिव यू अ गिफ्ट, कम ऑन अप हियर, ओनली वन पर्सन हियर, लुक एट दिस। I'm going to give you one of my posters. साहब 35 साल पहले मैंने ये एक पोएम पढ़ी थी, इसने मेरी जिंदगी बदली। ये लिखा है डोंट क्विट। इट सेज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रेजिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेट्स आर हाई एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। It says success is failure turned inside out. The silver tints of clouds of doubt. You never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. It says, so stick to the fight when you're hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. Thank you very much. Thank you. Give her a hand. Look at what she said. कहती है साहब, my sister trained
10 hours per day to go for the Commonwealth Games. 10 hours a day. सब जानते हैं लोग सफलता चाहते हैं लेकिन सफल होने के लिए तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते साहब. रिपीट, मोस्ट पीपल वॉन्ट टू सक्सीड बट वेरी फ्यू पीपल आर विलिंग टू पे द प्राइस टू प्रिपेयर टू सक्सीड. सफल होना चाहते हैं साहब लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत चुकाना नहीं चाहते. साहब आप भी चले जाइए अगर 8 घंटे डेली अगले 4 साल के लिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए 10,000 घंटे आप भी ओलंपिक में जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं. सवाल यह है क्या मैं करने के लिए तैयार हूं? मैं नहीं तैयार हूं, आप नहीं तैयार हैं. अगर आप और हम तैयार हो जाएं हम भी मार्क स्पीक्स के साथ कंपीट कर सकते हैं. यस नो, सब 2 साल पहले ओलंपिक से माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने उसको कहा कि देखिए अब आप पानी में नहीं जा सकते. और सवाल यह है कि अगर आपका हाथ जुड़ जाए तो क्या इसमें उतनी ताकत दोबारा से आ सकती है जैसे पहले थी? आप ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं कर रहे हो. माइकल फेल्प्स 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, इसकी पूरी जिंदगी का सपना चूर हो रहा था साहब. हर रात को इसने सपने लिए. साहब सपने तो जब सोते हैं तभी आते हैं. कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए साहब. बिल्कुल झूठ है साहब, यही तो. साहब ध्यान दीजिएगा, आज सपनों की एक नई परिभाषा लेके जाइए. सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं. साहब क्या बात कर रहे हो. माइकल फेल्प्स ने अपनी जिंदगी का सपना देखा टूटते हुए. बोला साहब मैं पानी में जाऊंगा, हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, पांव इस्तेमाल करूंगा. साहब ट्रेनिंग करता रहा माइकल फेल्प्स. उसके बाद 2008 में बीजिंग में इसने मार्क स्पिस का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 8 गोल्ड मेडल जीता. साहब ये 8 गोल्ड मेडल और 8 में से एक इवेंट थी 100 मीटर्स बटरफ्लाई स्ट्रोक. अंदाजा लगाइए कि माइकल फेल्प्स और जो दूसरे नंबर पे आया था कितना फासला रह गया था साहब. 1/100th of a second, एक सेकंड का 100वां हिस्सा. अब साहब कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कीजिएगा, मुझे आता नहीं साहब. एक सेकंड का 100वां हिस्सा. और कहा जाता है कि जब इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और ये हाथ से प्रैक्टिस कर रहा और लात से प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी लेग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी दैट लास्ट पॉइंट इसी ने उसको लास्ट पुश दिया साहब. लास्ट आज मैं आपसे इतने लोगों की जीवनियां जब पढ़ते हैं, आज एक सफलता की आपसे एक नई परिभाषा देना चाहता हूं. आपसे इन्हीं से सीखा हूं मैं, मेरी नहीं है ये. सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स. माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी, ही हैड अ प्रॉब्लम. सब समस्या के ना होने को सफलता नहीं कहते, समस्या के ऊपर काबू पाने को सफलता कहते हैं. ही हैड अ प्रॉब्लम. और सफलता इससे नहीं मापी जाती
कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए, सफलता इससे मापी जाती है कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं साहब। सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं, सफलता उससे मापी जाती है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा कर रहे हैं। आप देखिए, एथलीट कभी दूसरे के साथ कंपीट नहीं करता, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है परमानेंटली साहब, बार बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा साहब, वो अपने आप के साथ कंपीट करता है साहब। कुछ 6 महीने पुरानी बात है, सिंगापुर में मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तकरीबन 50% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन द फर्स्ट 5 ईयर्स। दीज आर स्टैटिस्टिक्स। 50% ऑफ बिजनेसेस फेल हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट 5 ईयर्स। और अमेरिका में ये स्टैटिस्टिक्स है कि तकरीबन 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में। और उस आर्टिकल में लिखा था कि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आज स्पीड है, इंफॉर्मेशन की लोगों को मुश्किल हो गया है साहब टू कीप अप विद द पेस टुडे। हम जैसे आदमी छोड़िए जिसके अब बाल सफेद हो गए, एक आदमी मेरे को रास्ते में मिले तो मेरे को देख के कहते हैं आप कुछ पहचाने लग रहे हो भाई एयरपोर्ट पे, तो मैंने कहा शायद मेरा कॉमन फेस होगा भाई कुछ है। तो मेरे को कहता है ओ आप वैसे लगते हो जिसने किताब लिखी है, वो कुछ उसका कोई रिश्ता तो नहीं है। हाँ मैंने कहा साहब वो मेरा बेटा है। हाँ बोले हाँ उसके बाल काले हैं साहब, किताब बाल काले। मैंने कहा साहब वो Anyway, leave aside people like me who's got white hair, but even the younger generation is finding hard to keep up with technology. बहुत मुश्किल हो गया है साहब। और उस आर्टिकल में लिखा था कि स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बढ़ रही है, हर क्लास जो आज ग्रेजुएट कर रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है। रिपीट करता हूं साहब, आज हर क्लास जो ग्रेजुएट हो रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है। ये स्पीड है टेक्नोलॉजी की, ये पॉजिटिव साइड है दैट दे आर लिटिल मोर नॉलेजेबल देन द प्रीवियस वन। द फ्लिप साइड इज विद इन 2 ईयर्स इनकी नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाएगी साहब। 2 साल के अंदर इसकी नॉलेज भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। और उस आर्टिकल में लिखा था कि आने वाले टाइम में साहब ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम में सिर्फ वही लोग सफल हो पाएंगे जिनके पास 2 काबिलियत होंगी साहब। People who have people skills and people who have selling skills. Repeat karta hun. Only people who will succeed in life going forward are people who have 2 skills. People who have people skills and people who have selling skills. Ability to deal with people and ability to sell. जिनके पास ये 2 काबिलियतें हैं, बोले साहब उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब इसका उदाहरण क्या है, आप देखें किसी भी संस्था में, आप देखिए
जितना लोअर एक वर्कर होगा 90% उसका टाइम टेक्निकल स्किल्स में चला जाएगा, 10% टाइम या उससे भी कम जाएगा लोगों के साथ व्यवहार में। और जितने आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर उठते चले जाते हैं, 90% आपका टाइम जाता है लोगों के साथ व्यवहार में, less than 10% इन टेक्निकल स्किल्स। यस नो 90% टाइम। यूएस में एक लीडरशिप मीट हुई तो वहां पे कुछ लोगों को, गिनती के लोगों को बुलाया, तो हमारे को भी बुलाया हुआ था। वहां 5 दिन की लीडरशिप समिट थी तो वहां पे एक चीज बहुत उभर के आई कि आज की जो जेनरेशन है दे आर वेरी टेक सैवी, सब टेक्नोलॉजी में कमाल कर देते हैं लोग, दे कैन स्पेंड आवर्स इन फ्रंट ऑफ दैट, व्हाट डू यू कॉल इट, आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट, थैंक यू मॉनिटर। हमारे टाइम में तो मॉनिटर, वो डंडा लेके जो बैठते थे क्लास में उसको मॉनिटर कहा करते थे साहब, मॉनिटर। तो साहब मैं सिर्फ जानना चाहता था खाई मैं ही अनपढ़ हूं या कोई और भी है साहब, यस ऑल मॉनिटर, दे कैन स्पेंड आवर्स इन फ्रंट ऑफ दैट मशीन, they are so comfortable with that machine, but the flip side is that they have become uncomfortable with people today. Yes, no. The current generation has become uncomfortable with people. और साहब technology इतनी अभी advanced नहीं हुई है, you still have to get married to people. You can't have babies from computers as of now. आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं साहब। You have to live with people. और साहब किसी ने बहुत सही बात कही है, technology और technicians आप हमेशा पैसे के साथ खरीद सकते हो, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर इंसान रिश्ते उनको बनाने ही पड़ते हैं। सब टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस पैसे के साथ हमेशा खरीद सकते हो आप, लेकिन दुनिया में चाहे जितना भी अमीर इंसान हो जाए रिश्ते उसको बनाने पड़ते हैं साहब। इसको क्रूड लैंग्वेज में कहा जाएगा कि साहब आप कुत्ता खरीद सकते हो लेकिन पूंछ नहीं हिलवा सकते साहब। Technical people skills, they are crucial. और दूसरा is selling skills. दूसरा is selling skills. तो साहब हमने जब किताब लॉन्च की पिछले साल, you can sell, तो प्रेस वाले आए वहां पे और बोले कि किताब का नाम है यू कैन सेल। ये किताब लगता है सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है। तो मैंने उनसे वापस सवाल पूछा, साहब आप बताइए मुझे कौन नहीं बेच रहा। तो मैंने इस किताब से एक डेफिनेशन निकाल के दी, Definition of a salesperson by Robert Louis Stevenson. इसमें define किया है साहब, who is a salesperson? Anyone, ध्यान दीजिएगा साहब, anyone who sells a product, service or an idea. The salesperson. Repeat, anyone who sells a product,
सर्विस और एन आइडिया इज अ सेल्स पर्सन. बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन आप बताइए साहब कौन नहीं बेच रहा. साहब एक कैंडिडेट एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, क्या कर रहा है वो? व्हाट्स ही डूइंग? ही सेलिंग. साहब एक बात बताइए, ए बॉय गर्ल प्रपोजिंग टू गेट मैरिड, व्हाट आर दे डूइंग? साहब एक बात बताइए, ए लॉयर आर्ग्यूइंग इन फ्रंट ऑफ द जज फॉर हिज क्लाइंट, व्हाट्स ही डूइंग? हेलो. ए पॉलिटिशियन गिविंग स्पीचेस टू गेट वोट्स, व्हाट इज ही डूइंग? हेलो. व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? आई एम ऑल्सो सेलिंग. Who is not selling? We are all selling. We are always selling. Either for or against ourselves. And success in life depends on our ability to sell. Chaudhary sir, we are all selling. We are always selling. Either for or against ourselves. It is not neutral. ये साहब ये लीडरशिप की बात है. कभी न्यूट्रल लीडर नहीं हुआ, या अच्छा लीडर होगा या घटिया लीडर होगा, न्यूट्रल लीडर कोई नहीं होता साहब. There is no neutral leader. And good leaders actively guide, bad leaders actively misguide. Hello. अच्छे लीडर गाइड करते हैं, बैड लीडर मिस गाइड. न्यूट्रल नहीं होता कोई लीडर भी साहब. तो मैंने कहा साहब कौन नहीं बेच रहा है? वी आर ऑल सेलिंग, वी आर ऑलवेज सेलिंग. एंड देन मैंने उनसे पूछा, बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब तो सेलिंग में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको यू नीड टू लर्न द टैक्टिक्स ऑफ सेलिंग. इन सेल्स इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू लर्न द टैक्टिक्स ऑफ सेलिंग. हाउ मेनी एग्री विद दैट? रेज योर हैंड. एंड नॉट ट्रू. मैंने कहा साहब इन सेल्स यू नीड टू लर्न the principles of selling, not tactics of selling. Why? Because principles are based on foundation of integrity. Tactics are manipulative. बहुत फर्क है साहब. Tactics में आप manipulate करते हो, principles जो हैं, they are based on foundation of integrity. बहुत फर्क है. और फिर बोले कि साहब in selling you need to learn the tricks of the trade. मैंने कहा ना ना ना, गलत है साहब. प्रोफेशनल्स लर्न द ट्रेड, दे लीव द ट्रिक्स टू द चीट्स एंड क्रुक्स. लीव द ट्रिक्स टू द चीट्स एंड क्रुक्स, लर्न द ट्रेड. आज स्टेटिस्टिक्स देखिए आप. नारायण मूर्ति सेड 90% ऑफ ग्रेजुएट्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम अ कॉलेजेस, वेदर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल. हाउ कैन यू एम्प्लॉय देम? और बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड अबाउट 60-70%, ध्यान दीजिएगा साहब, 60-70% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स टुडे एंड अप इन सेल्स जॉब्स एंड दे डोंट नो हाउ टू सेल. एंड फनी पार्ट इज, जानते हैं लोग अपने आप को सेल्समैन कहने से एक शर्म आती है उनको, उनका स्टेटस गिर जाता है. बेचने जा रहे हैं लेकिन जानते हैं क्या लोग पूछते हैं उससे, क्या काम करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूं. सेल्समैन नहीं कह सकते अपने आप को, जानते हैं शर्मिंदा महसूस करते हैं. मैंने इस किताब में मार्केटिंग डेफिनेशन दी है जो मार्केटिंग पढ़ाते हैं. मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग only identifies
and strategizes sources of money gets no money. Only sales gets money. Are you with me? That's right. मार्केटिंग तो खाली सिर्फ आइडेंटिफाई करती है, स्ट्रेटजाइज करती है, सोर्सेज ऑफ मनी गेट्स नो मनी, ओनली सेल्स गेट्स मनी। आप साहब किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, बैलेंस शीट देखिए, सिर्फ एक आइटम प्रॉफिट साइड में लिखी होती है, वो क्या कहते हैं, सेल्स, और उसके अलावा हर चीज इज ओवरहेड्स। प्रॉफिट में सिर्फ एक आइटम जाती है सेल्स, रेस्ट एवरीथिंग इन द कंपनी इज। साहब एक अच्छी कंपनी, गुड सेल्स पीपल आर द फर्स्ट टू बी हायर्ड, लास्ट टू बी फायर्ड, बिकॉज दे रिप्रेजेंट प्रॉफिट। मैं आज इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग आए हैं यहां पे। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बुनियाद क्या है साहब, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। जानते हैं सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड वर द ग्रेटेस्ट सेल्स पीपल इन द वर्ल्ड। अगर वो अपना विचार नहीं बेच सकते तो साहब वो कौन से फॉलोअर बना पाएंगे जिंदगी में? एक फॉलोअर नहीं बनेगा उनका जिंदगी में। Some of the greatest leaders in the world were the greatest salespeople in the world. They were able to sell an idea, अपना विचार बेच पाए, तभी उनके पास लोग इतनी जनता इकट्ठी हो गई साहब उनकी। आप लोगों ने मेरी कहानी तो शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने सुनी लास्ट टाइम, लेकिन थोड़ा संक्षेप में मैं जिन्होंने नहीं सुना उसके बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था अमेरिका में, 250-250 लोग थे वहां पे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर सभी थे, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन भी थे, क्योंकि आज की तारीख में हर जगह पे सब लोगों को एक दिक्कत है। बोले साहब कंपटीशन बढ़ रहा है बहुत, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज चाहे जो काम करें कंपटीशन बहुत घना है। कितने लोग सहमत हैं, हाथ खड़ा कीजिए साहब, यस नो, हाउ मेनी से यस, हाउ मेनी से नो, हाउ मेनी आर कंफ्यूज्ड। अच्छा चलिए कोई बात नहीं साहब, ऐसा है बहुत पुरानी बात है, मैं वहां पे गया तो मैंने कहा, जाते ही मैंने कहा कि साहब इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया जैसा अब है, जितना आसान आज है सफल होना जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। रिपीट करता हूं, सफल होना जितना आसान आज है ऐसा जिंदगी में कभी मौका नहीं आया, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो। तो जब मैंने दो बारी कहा तो एक आदमी पीछे से अपने बगल वाले को हाथ मार के कहते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसके पास गया और मेरे को पूछता है कि साहब आप बताइए कि हाउ कम वी हैव नो कॉम्पिटिशन, हमारा कॉम्पिटिशन ही नहीं है साहब। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं आप सब लोगों से यही सवाल पूछ रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जवाब देना है, तो सवाल ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने उससे सवाल यह पूछा और आप लोगों से वही पूछ रहा हूं, साहब आप कितने लोगों को जानते हैं जो सड़क पे चल रहे हैं इस टाइम, जो जितने उनको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोगों को जानते हैं आप? हेलो, हार्डली एनी। साहब ज्यादातर लोग ऐसे हैं
जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा वर्ग है जो उतना ही काम करता है जिससे उसकी जान छूट जाए साहब, और एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके वो आपको लौटाते हैं। मैंने उससे पूछा कि अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज में आते हो, चाहे आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहां साहब। साहब आज की तारीख में आपको एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, कई वकील बैठे हुए यहां। आज की तारीख में आपको अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता साहब, आपको अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। सवाल यह है कि जितने आपको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को आप तैयार हैं। आप देखें किसी सफल इंसान की जीवनी पढ़ें और किसी सफल ऑर्गेनाइजेशन की जीवनी पढ़ें आप, उन सब लोगों ने एक ही सिद्धांत से जिए हैं, और वो सिद्धांत है मुझे जितना मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को साहब। ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, आप किसी भी सफल इंसान की फिलॉसफी देखें जिसने सफलता हासिल की है और उसके बाद सफलता को कायम रखा है। हासिल करना एक चीज है और कायम रखना दूसरी चीज है साहब। सफलता हासिल की है और उसके बाद कायम रखा है, और तीसरी बात उसके बाद अपनी गुडविल सद्भावना मेंटेन की है। तीन चीज जरूरी है, सफलता, सफलता को कायम रखना, और तीसरा सद्भावना, गुडविल मेंटेन करना। तीनों को अगर जिसने मेंटेन किया है वो सब इसी सिद्धांत से जिए हैं, मुझे जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जो मिला उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को। साहब एक बात बताइए कि हम सब अगर आज से इस सिद्धांत से जिए, हमारा कंपटीशन है कहां साहब? हम ही कंपटीशन बन जाते हैं दूसरों के लिए साहब। वी हैव नो कंपटीशन, वी बिकम द कंपटीशन। अब एक बात बताइए, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए पीएचडी की जरूरत है भैया? अच्छा, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए एमबीए की जरूरत है? जानते हो एमबीए और पीएचडी करने के बाद फिर भी नहीं समझ में आती लोगों को, मुश्किल तो ये है। दुख की बात ये, इसके लिए ना एमबीए चाहिए ना ही पीएचडी चाहिए साहब। भाई साहब आपको 1973, अब जिन्होंने पहले सुना होगा उसके लिए थोड़ा सा रिपीट होगा, बट 1973 की बात बता रहा हूं। जनवरी 1973 मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में, तकरीबन 1000 लोग काम करते थे साहब। मैंने क्रिएट नहीं की थी, मैंने इनहेरिट की थी, तो माइंस नेशनलाइज हो गई, सरकार ने सभी कुछ ले लिया साहब। अब कुछ परिवारों के पास पैसे थे, हमारे पास नहीं थे, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं कॉलेज में था, और मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए थे साहब। अब कुछ लोग मेरी एज का अंदाजा लगा रहे हैं साहब ऑलरेडी, बट दैट इज ओके, हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशन, आप कुछ बात करो अपनी कैलकुलेशन हर एक की अलग होती है साहब। खैर, तो साहब सब कुछ चला गया,
और उसके बाद हमारे घर से सामान बिकने लगा, कुछ ना कुछ टेबल कुर्सियां बिकने लगी टू गेट फूड फॉर। मुझे याद है तकरीबन एक साल के बाद मेरी बड़ी लड़की जब पैदा हुई तो मैंने अपनी मां के कुछ लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी जाके बेची, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए नहीं थे टू गेट माई डॉटर रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल टू बाय मिल्क दैट नाइट। 1973 की बात कर रहा हूं आपसे। तो मैंने साहब 3 काम करने की शुरू किए, अगले 2 साल सभी में फेल हो गया। 1975 13 नवंबर को तो मैंने फैसला किया कि साहब मैं अब इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। मैं कनाडा गया यहां से, तो टोरंटो में मेरी सिस्टर थी, उसने मुझे स्पॉन्सर किया। तो वहां पे हमने 1 बेडरूम रेंट किया, वहां पे जमीन पे सोते थे। तो मेरी वाइफ MBA है, उसने एक बैंक में जाके $600 महीने की नौकरी ली ताकि घर का खर्चा चलता रहे, और मैं साहब सूट टाई लगा के बाहर निकल जाता था। अब कोई पूछते थे कि भाई क्या काम करते हो, अब ये कहने में तकलीफ होती थी कि बेरोजगार है भाई। मैं कहता था सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है। खैर साल बीत गया साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाई लगा के घूमते हुए, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुई। खैर एक दिन मैं वहां से एक ट्रेड शो से गुजर रहा था तो मेरे पीछे एक कनेडियन भी आ रहे थे, थोड़ा हैंडीमैन लगे, निक्कर टी शर्ट पहने हुए, तो मेरे पास आए, मेरा नाम पूछते हैं क्या काम करते, बोले इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मेरे को पूछते हैं भाई कितने पैसे कमा लेते हो। साहब उस दिन ने होश में आया, ये सोच में आई कि भाई चाहे जितने मर्जी सूट टाई लगा लो, दुनिया 2 मिनट में समझ जाती है जेब खाली है भाई। तो मैंने उसको बोला भाई इसे तुम्हारा क्या लेना देना। खैर मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या, बोले बिल बियर। मैं क्या काम करते हो, बोले मैं गाड़ियां साइमनाइज करता हूं। अब जिनको मालूम नहीं है साइमनाइज क्या होता है साहब, ये एक थोड़ा अंग्रेजी का बड़ा लफ्ज है, मशीन से गाड़ियां धोना और कुछ नहीं साहब। बोले गाड़ियां साइमनाइज करता हूं। मैंने कहा अच्छा तुम्हें कितने पैसे बना लेते हो भाई, बोले कभी $40 $50। तो दरवाजे से जैसे हम लोग निकल रहे थे, जैसे कि मेरे दिमाग से उसने एकदम पढ़ लिया हो, मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे रोक के कहता है गाड़ियां साफ करो क्यों भाई। मैं भी सोचने लगा भाई कब तक खाली पेट घूमेंगे ऐसे। मैंने कहा भैया कितने पैसे दोगे, बोले $5 काटूंगा केमिकल के, बाकी बांट लेंगे आधे आधे। तो मैंने उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, गाड़ियां साफ करना को हाईटेक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन तुमको थोड़ी चाहिए, अच्छे पैसे बना रहे हो, क्योंकि पैसे बांटने को क्यों तैयार हो गए। बोले गाड़ियां साफ करना अकेले टाइम नहीं गुजरता, कोई बात करने वाला मिल जाए टाइम निकल जाता है, इसलिए बांट रहा हूं और कुछ नहीं है साहब। तो साहब दूसरे दिन गए हमने गाड़ियां साफ की, $25 दोनों ने बना लिए पॉकेट में। अगले दिन $35 $30 $40 रोज थोड़े 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 पैसे बनते रहे, कुछ ना कुछ खरीदते रहे साहब। तभी मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा कि अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो तो घर घर जाके वो वैक्यूम क्लीनर की डेमोन्स्ट्रेशन किया कीजिए। तो मैंने कहा साहब ये बहुत बढ़िया है साहब, दिन में गाड़ियां साफ करूंगा, शाम को घर जाके वैक्यूम क्लीनर सफा करूंगा साहब। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी पहुंच गया साहब, 200-300 लोग थे वहां पे, खूब मोटिवेशनल लेक्चर दिया उन्होंने और मशीन पकड़ा दी, बोले जाके घर घर जाके डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए और हर डेमोन्स्ट्रेशन के आपको $5 मिलेंगे साहब। अब भी साहब इतने ना समझ थे, समझ ही कुछ नहीं थी।
हमने यही समझा कि खाली जाके डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है, बेचना नहीं होता साहब। तो हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते थे, वहां पे दरवाजा खटखटाते थे, कोई दरवाजा खोलता था, मैं कहता था साहब आपको वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदना, तो पहले तो तसल्ली हो जाती थी खरीदना नहीं है भाई, खाली डेमोन्स्ट्रेशन करवा लीजिए $5 मिल जाएंगे। कुछ लोग तरस खा के कहते थे आओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ लोग बाहर निकाल देते थे। एक दिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था एक इंडियन परिवार के यहां पे, हस्बैंड वाइफ सोफा पे बैठे थे, मैं जमीन पे बैठा था। तो ये सज्जन वैक्यूम क्लीनर नहीं देख रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब कुछ गलती हो गई? बोले ना। तो मैंने पूछा कि भैया ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे से पूछता है जिंदगी में कभी लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? मैंने कहा भाई मैं वैक्यूम क्लीनर यहां पर रगड़ रहा हूं, तू बात क्या कर रहा है? पूछता है जिंदगी में कभी लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? मैंने कहा ना भैया कभी बेचा नहीं है, ना ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे याद है इंडिया में वो एजेंट, वो लूट, वो चुंबक आपकी लाइफ पकड़ लेता था जब तक दस्तखत ना करो साहब, तभी उसको कहते थे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, आपकी लाइफ पकड़ लेता था साहब। तो मैंने कहा साहब मैं जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कभी नहीं बनूंगा साहब। खैर मैंने कहा साहब मैं नहीं लाइफ इंश्योरेंस बेचूंगा। मैंने अपना थैला वाला उठाया, अपना वैक्यूम क्लीनर रगड़ा करके $5 का काम था मेरा, चल के निकल गए। तो जब साहब सीधे तरीके से काम नहीं होता, आदमी उल्टे तरीके से जाता है, एक ही बिल्डिंग में हम लोग रहते थे और समहाउ उसकी वाइफ का परिचय मेरी वाइफ से हो गया, जान पहचान हो गई। तो उसकी वाइफ मेरी वाइफ को समझाती है कि इनको बोलिए भाई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, ज्वाइन कर ले, ये बहुत अच्छा करियर है। और मेरी वाइफ भी जानती थी कि कब तक इस तरीके से काम चलेगा, गाड़ियां साफ कर करके कब तक जिंदगी चलेगी। एक फैमिली थी, आई हैड अ डॉटर, और मेरी वाइफ मेरा फेलियर रिकॉर्ड भी जानती थी, बहुत अच्छा था साहब। स्कूल में भी मैं पढ़े लिखे पढ़ाकुओं में से, बच्चों में से नहीं था, मैं तो बैक बेंचर था, जो आगे बैठते थे पीछे से लेके रबड़ की गुलेल मारता था साहब बैठ के उनको। और साहब आठवीं क्लास में 6 या 7 सब्जेक्ट्स में से मैं सभी में फेल हो गया एक्सेप्ट वन। तो मेरे प्रिंसिपल ने बुला के मुझे कहा कि बेटा तुम एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। साहब 28 बच्चों में से मेरा 27वां नंबर था, क्योंकि 28वां एब्सेंट था साहब, नो किडिंग साहब। मेरे प्रिंसिपल मेरे पेरेंट्स को बुला के कहते थे इसको बाहर निकालिए स्कूल से, ये स्कूल की एवरेज। साहब मैं एवरेज गिरा रहा था स्कूल की। खैर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा भाई। खैर मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। बोले आप इम्तिहान पास तो कीजिए, अगर पास कर लिया तो एक चॉइस मिल जाएगी लाइफ में आपको। अभी तो चॉइस भी नहीं है भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं इम्तिहान में बैठूंगा लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा। खैर मैंने इम्तिहान लिया, रिजल्ट आ गया और मैं क्या हो गया साहब, पास हो गए साहब। अब ये हमको अपने दफ्तर ले गए, जिन्होंने ये सारा चक्कर शुरू किया था, ले गए दफ्तर, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलाया। जैसे पहुंचे वहां पे बहुत बुजुर्ग से आदमी, बहुत तजर्बेदार मेच्योर आदमी, जैसे गया कंग्रेचुलेट करके हाथ मिलाते हैं, कहते हैं शेफ अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा और तुम्हें टाइम दूंगा सोचने का। मैंने कहा साहब बिल्कुल ठीक, दीजिए। बोले कि साहब अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुझे $150 हफ्ता, $150 हफ्ता ड्रॉ दूंगा तुम्हारे को, और तुम्हारे पास टाइम है सोचने का।
बोले 30 सेकंड। मैंने कहा साहब आपने बोला था टाइम दीजिएगा, बोले अब 20 सेकंड रह गए। मैंने कहा बोले मैं बन गया साहब, मैं लाइफ इंश्योरेंस। साहब मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जो मैं जिंदगी में बनना नहीं चाहता था। उसके बाद मुझे किताब दी उन्होंने, थोड़ी ट्रेनिंग दी, बोले बेटा जाके बेचो अब चलो। उसके बाद अगले 3 महीने साहब मैंने जी तोड़ मेहनत की। शीशे में देख के अपने आप को कह सकता हूं कि मैंने 200% मेहनत की। हर इंसान पहचान जाता है, कह सकता है कि मैंने कितनी की। साहब मैंने 200% मेहनत की और मैंने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। अब साहब जानिए कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद दोबारा से फिर से ताली बजाइएगा। साहब कितनी सेल मैंने की, ऑलमोस्ट जीरो। तो साहब मेरा मैनेजर मुझे वापस बुला के कहता है कि भाई मेरे को 35 साल हो गए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, मैंने देखा है कुछ लोग आस्ते शुरू होते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। बोले तब मेरे को कहता है डोंट कम बैक टुमारो, बोले यू आर फायर्ड, गेट आउट। मैंने कहा भाई मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा साहब मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, डॉक्टर वकील अटर्नी अकाउंटेंट नहीं हूं मैं। आई एम अ बीकॉम थर्ड डिवीजन, फेल्ड इन माय 10th, आई गॉट अ हैंडीकैप, हाउ डू यू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस। साहब 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 40 साल पहले, सॉरी। उस दिन किसी ने मेरे साथ बहुत कड़क के बात की, एंड आई एम ग्लैड ही डिड। और उसके बाद मेरे को समझ में आई, गुस्सा नहीं था, गुस्से की वजह से वो कड़का नहीं मेरे साथ, उसको तकलीफ थी साहब, तकलीफ की वजह से वो कड़का। और मेरे को कहता है 40 साल पहले, यू शट अप एंड लिसन। मेरे को कहता है यू डोंट हैव ए हैंडीकैप, यू हैव ए बैड एटीट्यूड। और कहता कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगियां ही नहीं बल्कि अपनी परिवार की जिंदगियां भी बर्बाद करते हो। और कहता है जानते हो जिंदगी में हैंडीकैप किसके पास है, डॉक्टर लॉयर अटर्नी अकाउंटेंट, दे ऑल हैव हैंडीकैप्स इन लाइफ। मैंने बोला ये तो हमने सुना नहीं कभी, बताइए हाउ डू दे हैव हैंडीकैप्स। तब उसने कहा कि कहता है आप जाके देखिए दुनिया में कहीं पर भी एक वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अटर्नी, इन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है एंड दे आर स्टक, फंसे हुए हैं साहब। जनरली ट्रू, एक्सेप्शन डिफरेंट, दे ऑल हैव चोजन देयर फील्ड, दे आर स्टक। मेरे को कहता है तुमने तो अपना क्षेत्र चुना ही नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आती, दुनिया तुम्हारे लिए ओपन है, द वर्ल्ड इज ओपन टू यू। तो मैंने कहा साहब मैंने तो कभी सोचा नहीं ऐसे। कहते नाउ दैट यू आर फायर्ड, ही सेड यू गॉट ऑल द टाइम टू थिंक, ही सेड लीव माय ऑफिस। साहब उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी 30 मील दूर, मेरी चॉइस थी टू कीप और नॉट टू कीप, बिकॉज आई न्यू नेक्स्ट डे आई हैड नो जॉब। और मुझे यह भी मालूम था I was not sure if I would get paid or not, क्योंकि हमारी हर अपॉइंटमेंट एक हफ्ता इन एडवांस बनती थी। मैंने साहब फैसला किया कि I'll go for the appointment। शाम को 6:30 बजे मैं गाड़ी चला के जा रहा था, having failed one after the other in my life। उस शाम को मैं इतना डिप्रेस्ड फील कर रहा था कि न जाने क्या हुआ, एकदम मैं अकेला, आई बर्स्ट आउट इनटू क्राइंग। मैं साहब
अकेला रो रहा था वहां पे, गाड़ी चला रहा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि एक एडल्ट होने के नाते मेरे को रोटी कमानी नहीं आती है, एक परिवार है, आई डिड नो हाउ टू अर्न अ लिविंग, और मैं एक के बाद एक के बाद एक आई वॉज फेलिंग इन माई लाइफ। आई केप्ट क्राइंग, केप्ट प्रेइंग, मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी कहां जा रही है साहब। वो 30 मील का फासला 30 साल जैसे लग रहा था उस रात। साहब उसके बारे में आज बात करना आसान है, उस रात को आसान नहीं था। आधे घंटे के बाद मैं पहुंचा अपनी अपॉइंटमेंट पे, 7 बजे थे। मैंने अपने आप को संभाला, संभाल के ऊपर गया, बेचना शुरू किया। 7 बजे मैं गया, जब तक उसने घड़ी देखी 11:30 बज चुके थे। 4.5 घंटे, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को लूट कहते हैं साहब, कोई हटता ही नहीं वहां से। मेरे को कहता है, जानते हो क्या टाइम हो गया है, मुझे कल काम पे जाना है। ये पोलाइट तरीका है कहने का कि अब जाओ आप। समहाउ उस रात को मैं जा नहीं रहा था वहां से। 11:30 बजे न जाने क्या हुआ, इसको मेरे को देख के कहता है कि भैया तुम्हारे से जान छुड़ाने के अब क्या लगेंगे। मैंने सोचा रेट पूछ रहा है, मैंने किताब खोली और इसके एज देखा, इंश्योरेंस के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने बोला कि साहब $27.58, $27.58। कहता यू श्योर? मैंने कहा यस, $27। एंड मेरे को कहता है कि 4.5 घंटे पहले क्यों नहीं बोल दिया मेरे को। चेक निकाल के $27 का चेक बना के कहता है ये पकड़ो बाहर जाओ भाई। दैट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट सेल्स। मैं रात को 12:30 बजे 12:30 बजे 1 बजे घर आया। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गया और अपने मैनेजर के पास मैंने कहा कि जो आज एक एप्लीकेशन है मेरे पास, छोटी है लेकिन चेक के साथ है, क्योंकि बिना चेक के एप्लीकेशन की कोई कीमत नहीं है। मैंने कहा चेक के साथ है। मैंने कहा भैया मुझे रहने दोगे यहां पे, कि अगर आप मुझे आज निकाल दोगे तो मुझे मालूम नहीं कहां जाना है मुझे, और खाली एक जगह मालूम है, गाड़ियां साफ करना, और मैं अब करना नहीं चाहता। मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मैं एक कमिटमेंट तुमसे करता हूं साहब, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कमिटमेंट तुम्हारे से करता हूं कि मैं तुम्हारे को मेरी मेहनत की वजह से तुम्हें जिंदगी में कभी शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे आप रहने दीजिए यहां पे। मेरे को देख के कहता है शिव तेरी छोटी एप्लीकेशन नहीं है, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। और दूसरी चीज कहता है कि मैं तुझे आज यहां पे तब रहने दूंगा अगर तू एक कमिटमेंट कर मेरे साथ नहीं अपने साथ और अपने परिवार के साथ, तब मैं तुझे रहने दूंगा यहां पे। साहब उस दिन मैंने कमिटमेंट की और वो मेरी जिंदगी में एक मोड़ था। हर एक की जिंदगी में कोई मोड़ जरूर आता है, यस नो, बिल्कुल। मेरी जिंदगी में एक मोड़ था, वो उसने एप्लीकेशन वापस ली। और साहब उस दिन उस साल मैंने $1 मिलियन की इंश्योरेंस बेची, अगले साल $3 मिलियन, उसके बाद $5 मिलियन, उसके बाद $1 मिलियन राउंड टेबल। आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है साहब, MDRT। जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने MDRT को खबर फोन किया कि साहब मुझे बताइए कितने साल में क्वालिफाई किया था। सो दे सेड कि 4 साल क्वालिफाई किया था बिफोर आई मूव्ड ऑन। मैं अमेरिका मूव किया, गॉट इनटू 3 बिजनेसेस 1984 में। मैंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी खरीदी, न्यूजर्सी के ऑपरेशन की, स्टार्टेड विद नो क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची है विद क्लोज टू ओवर 500 क्लाइंट्स फॉर अ डिसेंट सम। साहब मैं आपके साथ
मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी जिंदगी क्यों शेयर कर रहा हूं। एक, पिछले 40 साल इतने आसान नहीं गुजरे साहब। जानते हैं लोग सिर्फ देखते हैं सफल लग रहा है, वो सिर्फ सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते। यस नो। और जानते क्या कहते हैं, किस्मत अच्छी साहब इसकी। आज की तारीख में मीडिया ने अगर देश के साथ गद्दारी की है, सबसे बड़ी गद्दारी मीडिया ने अगर की है वो एक की है, चाहे टीवी चैनल ले लीजिए चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए, एवरी चैनल सुबह शाम पहली चीज क्या देखते हैं, आपकी वहां जो भविष्य बैठ के बना रहे हैं साहब, वो आप सुबह से शाम आपको वही बताते हैं आपका क्या राशिफल है, आपका क्या चल रहा है वहां पे, आज लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है। आप पांच पेपर देखिए, पांच में अलग अलग लकी नंबर दिखेंगे, पांच में अलग अलग लकी कलर दिखेंगे साहब। मैं आसाम में एक प्रोग्राम कर रहा था वहां पे और फ्लाइट पकड़ने में लेट हो गए, तो ड्राइवर जैसे गाड़ी चला रहा था सामने से बिल्ली रास्ता काट गई साहब, वो गाड़ी एकदम जोर से मार दी जैम, जोर से मारी तो गाड़ी को झटका लगा जोर से। तो मैंने कहा भाई क्या किया, बोले सर बिल्ली रास्ता काट गई, ये अच्छा शगुन नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान होता। मैंने कहा तू तो नुकसान तो अभी होता, किसी के दो चार दांत टूट जाते, बिल्ली रास्ता काटे ना काटे तू तो मरवा देगा वैसे भी। तो मैंने कहा अब क्या होगा, बोले अब वेट करेंगे किसी की। मैंने कहा अगर हम जाएंगे तो, बोले नहीं अब शगुन है साहब। तो मैंने कहा भाई किसी और को जाने दोगे तो फिर क्या होगा, मैंने कहा उसको प्रॉब्लम आ जाएगी हमको नहीं आएगी, बोले उसको आ जाएगी साहब। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मान लीजिए अगर तुम 50 घर और पीछे होते और यही बिल्ली अगर निकल जाती, अब मान लीजिए तूने बिल्ली नहीं देखी होती तो फिर क्या होता, बोले उसकी बिल्ली की पावर कम हो जाती है साहब। और मैंने भाई पावर कम कैसे होती है, तू बिल्ली को देखे या बिल्ली तुझे देखे, किसको हम किसको देखे। ये हाल है साहब। आप अगर स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, इन लोगों ने कभी इन चीजों पे कभी भरोसा नहीं किया साहब। पत्रियों पे, मंगलिकों पे, आप सरदारों के परिवारों में चले जाइए कोई मंगलिक नहीं होता साहब। सरदारों के परिवारों में चले जाइए उनकी हर शादी संडे को होती है साहब। हेलो, जानते हैं इन सब चीजों ने लोगों को कितना कमजोर बना दिया है दिमागी तौर पे, और लोग अपनी गलती का एहसास नहीं करते, खुद जिम्मेवारी नहीं उठाते। जानते हैं जितने गलत काम करते हैं उसका जवाब क्या देते हैं, साहब मेरी गलती नहीं है, मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे साहब, सितारों की प्रॉब्लम है। खुद जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहते, इट इज ईजी टू ब्लेम द स्टार्स। हेलो, ब्लेम द स्टार्स। खैर, इस हादसे से और दूसरा मैसेज एक सीखा हमने। मेरे मैनेजर ने एक बात कही थी, क्योंकि हम लोग की हर अपॉइंटमेंट एक हफ्ता इन एडवांस बनती थी, 1 week इन एडवांस। मेरे को मेरे मैनेजर ने कहा कि साहब ऐसा है, इसे शिव अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट एक हफ्ता इन एडवांस नहीं बनती और अगर तुम सुबह उठ के सोचते हो मैं आज क्या करूंगा, बोले तुम यू आर अनएम्प्लॉयड विद अ जॉब। ध्यान दीजिएगा, ही सेज इफ यू डू नॉट हैव अपॉइंटमेंट्स मेड 1 week इन एडवांस
And you wake up in the morning and you start thinking, let me see what I have to do today. He said, you are unemployed with a job. And then he said, you fall into the category of people who keep working till they find a job. और फिर उसने जो बात कही, उसने कहा कि साहब, आप जानते हैं, there are more people in this world who are not working than there are people who are unemployed. Repeat. दुनिया में ज्यादा लोग हैं जो काम नहीं कर रहे बजाय उनके जो अनएम्प्लॉयड हैं. देर आर मोर पीपल हु आर नॉट वर्किंग. और साहब मैं इतने ऑडियंसेस को एड्रेस करता हूं, आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी अ शो ऑफ हैंड्स हाउ मेनी पीपल डोंट हैव अपॉइंटमेंट्स मेड वन वीक इन एडवांस. 99% पीपल डोंट हैव अपॉइंटमेंट्स मेड वन वीक इन एडवांस. एक हफ्ते तक का मालूम नहीं है कि अगले हफ्ते हमें को क्या काम करना है साहब. और साहब उसने मुझे सिखाया कि एक प्रॉमिस में और एक कमिटमेंट की में क्या फर्क होता है. जब मैंने उसे कहा कि आई मेक ए कमिटमेंट टू यू, ही सेड नो 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 नो, मेक ए कमिटमेंट टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली. साहब उसने मुझे फर्क बताया कि एक प्रॉमिस और कमिटमेंट में क्या फर्क होता है. साहब अगर कुछ नोट करके ले जाना चाहें तो यही नोट करके ले जाइए. उसने कहा एक प्रॉमिस दुनिया के साथ अग्रीमेंट होता है, एक कमिटमेंट आप अग्रीमेंट अपने आप के साथ करते हो. साहब ए प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट विद द वर्ल्ड, ए कमिटमेंट इज एन अग्रीमेंट विद योर सेल्फ. और उस दिन समझ में आई एक और चीज कि मॉरल कमिटमेंट्स आर मच स्ट्रोंगर देन लीगल कमिटमेंट्स इन लाइफ. साहब फिर से ध्यान दीजिएगा, मॉरल कमिटमेंट्स आर मच स्ट्रोंगर देन लीगल कमिटमेंट्स इन लाइफ. और एक और संदेश जो उसने दिया, व्हेन ही सेड You shut up and listen to me, he got my attention. साहब मेरा ध्यान उसने खींच लिया अपनी तरफ को. He got my attention. उस दिन यह बात समझ में आई कि कभी कभी जिंदगी में you got to be unkind to be kind. That sometimes in life you need to be unkind to be kind. अब वही कहते हैं, पेरेंटिंग इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, लीडरशिप इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट. समटाइम्स इन लाइफ यू गॉट टू बी अनकाइंड टू बी काइंड. और साहब उस दिन एक और बात समझ में आई कि जिंदगी में सिर्फ दो ही रिश्ते होते हैं जो सुधारते हैं, दुनिया सजा देती है. रिपीट करता हूं साहब, जिंदगी में सिर्फ दो ही रिश्ते होते हैं जो सुधारते हैं, दुनिया सजा देती है. कौन से दो रिश्ते हैं जो सुधारते हैं साहब? जिंदगी में सिर्फ एक टीचर का रिश्ता और एक मां बाप का रिश्ता जो सुधारता है, दुनिया सजा देती है साहब. और कोई नहीं सुधारता, कोई नहीं सुधारता, सिर्फ सजा देती है दुनिया. ओनली पेरेंट्स एंड टीचर्स इन लाइफ केयर टू करेक्ट, वर्ल्ड पनिशेस. इसके लिए पीएचडी चाहिए क्या? एमबीए चाहिए? और साहब उस दिन एक और बात समझ में आई बहुत जबरदस्त, वो ये
जब तक सो लॉन्ग एज क्रिटिसिज्म इज पेनफुल टू द गिवर दे हैव अ राइट टू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बट द मोमेंट क्रिटिसिज्म बिकम्स अ प्लेजर टू द गिवर दे हैव नो मोर राइट टू क्रिटिसाइज साहब जब उसने मुझे शट अप कहा प्रॉबली शायद उसके दिल में चोट ज्यादा पहुंची बजाय मेरे दिल में आप देखते हैं कोई भी अच्छा टीचर या अच्छा पेरेंट अपने बच्चे को डांटता है उसको ज्यादा तकलीफ होती है बजाय बच्चे के यस नो इसका मतलब क्या हुआ सो लॉन्ग एज क्रिटिसिज्म इज पेनफुल टू द गिवर दे हैव अ राइट टू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बट द मोमेंट क्रिटिसिज्म बिकम्स अ प्लेजर टू द गिवर They have no more right to criticize. That is sadistic behavior. और एक और चीज साहब उसने सिखाई मुझे वो ये है तब तकरीबन 40 साल पहले मेरे मैनेजर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया समथिंग कॉल्ड अ जर्नल उसने मुझे कहा कि शिव तुम अगर जिंदगी बदलना चाहते हो सिर्फ अपने अंदर 5 मिनट डेली इन्वेस्ट करो अगले 31 दिन के लिए तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी साहब ध्यान से सुनिएगा बहुत जरूरी चीज है ये मेरे को उसने कहा कि साहब ऐसा है जिंदगी अगर बदलना चाहते हो अपने अंदर सिर्फ 5 मिनट डेली इन्वेस्ट करो अगले 30 दिन के लिए 31वें दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी 30 दिन सिर्फ तो मैंने उससे पूछा कि भाई 30 दिन में जिंदगी बदल सकती है क्या मैंने एक चीज सीखी उससे कि समझदार इंसान सवाल का जवाब नहीं देता सवाल का जवाब सवाल में ही देता है साहब उसने वापस मुझसे पूछा कि अगर बदल सकती है तुम करना चाहते हो क्या अगर बदल सकती हो तो क्या तुम करने को तैयार हो तो मैंने कहा साहब मैं तैयार हूं तब उसने मुझे ये जर्नल निकाल के दिखाई ये तो अब जो है ये तो बहुत दूसरे किस्म की जर्नल है लेकिन जो उसने दिखाई थी वो एक किताब सी थी लेकिन उसने कहा कि इसमें मैंने अपनी किताब यू कैन विन से बताया है कि इसमें 30 दिन का प्रोग्राम कैसे फॉलो किया जाता है हाउ डू यू इंप्लीमेंट 31-डे प्रोग्राम और इसमें एक प्लेज है कि आप अपने आप के साथ एक एग्रीमेंट कीजिए मेरे साथ उसने एग्रीमेंट करवाया था 40 साल पहले मैंने साइन किया था आई एम ऑनेस्ट आई एम रिलायबल आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन आई विल ऑलवेज डू एंड गिव मोर देन व्हाट आई गेट टू माय फैमिली माय ऑर्गेनाइजेशन माय कस्टमर माय सोसाइटी मैंने साइन किया साहब दिस इज अ मॉरल एग्रीमेंट इट्स नॉट अ लीगल एग्रीमेंट साइन करके उसने कहा कि डेली सिर्फ 4 सेंटेंसेस कंप्लीट करो ओनली 4 सेंटेंसेस मैंने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया है साहब इसको बोले सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट करो अपने अंदर 30 दिन के लिए उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी परमानेंटली कौन से 4 सेंटेंसेस आपने भरने हैं डेली एक टुडे आई फील राइट डाउन हाउ यू फील आई फील गुड आई फील सैड आई फील बैड व्हाटएवर राइट योर ट्रू फीलिंग्स टू टुडे आई हैव लर्नड
What have I learned? Have I learned anything? Write down, what have I learned today? 3, today I'm proud of. What am I proud of? Am I proud of anything? 4, today I commit to improve. What do I commit to improve? Or, niche, we have given a positive thoughts for every day. It says, waiting for opportunities, laziness, missing opportunities, foolishness, creating opportunities, intelligence. Agli yahan pe likha hai, ability teaches us how to do, motivation determines why we do, attitude decides how well we do. Aage likha hai, athletes train 15 years for 15 seconds of performance. There is no substitute to hard work. This is for the young people who get out from graduate school today. Unko ek cheez samajh mein aa gayi, don't work hard, work smart. There is no substitute to hard work. And then it says here, aap logon se puchhiye saab, what is the greatest thing in the world? Television pe bhi dekhenge aap, roj subah, pracharak, TV evangelists also, you ask them what's the greatest thing in the world, and they'll tell you, love is the greatest thing in the world. Love is the greatest thing. The way I see it, trust in many ways is a much greater compliment than love. There are people we love, but we cannot trust. Trust in many ways is a much greater compliment. Sab 5 minutes sirf daily. Sirf 4 fill in the blanks karne hai, only 4 fill in the blanks. 30 din ke liye. To maine usse pucha ki sahab ye batao, ye 30 din ka formula kya hai? To sahab usne mere ko research nikal ke dikhai. Aur agar aap log aaj Google karna chahte hain, bahut se students, go Google and you'll find out. बहुत जगह पे रिसर्च में लिखा है, इट टेक्स 21 डेज ऑफ कॉन्शियस कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस एफर्ट टू मेक अ ब्रेक और हैबिट. 21 दिन, सम पीपल से 41 डेज, सम रिसर्च से 31 डेज, सम रिसर्च से 21 डेज. आप देखिए 30 दिन कोई भी काम कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आप करते जाइए, 31वें दिन आपकी आदत बन जाती है साहब, इट बिकम्स अ हैबिट. अब सवाल यह है कि क्या 30 दिन कॉन्शियस एफर्ट एक बहुत बड़ी कीमत है चुकाने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए? यस नो, नो, बट बहुत कम लोग करना चाहते हैं. साहब मजे की बात यह है, लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत नहीं, 30 दिन के लिए भी नहीं करेंगे साहब ये. Not even 31 days. Alok, I'd like to hand over this journal to you as a small little token for 30 years of Dainik Bhaskara 31-day program. Thank you.